हेलो फ्रेंड्स, इट्स मयंक हियर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर क्या होता है मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट 2019 के लिए। तो जो पहला क्राइटेरिया जिसे आप रूल नंबर 10.1 में देख रहे हैं, वो ये कहता है कि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनका सिलेक्शन होगा। सेकेंड रूल 10.2 ये कहता है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनके नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा हैं, उन्हें अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों की सीट मिलेगी। और इस प्रकार से रिजर्व कैटेगरी मतलब एसटी एससी ओबीसी का कोटा ब्लैंक माना जाएगा। अब इसे हम एग्जांपल के तौर पे, यदि कोई एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, उसके नंबर जनरल कैटेगरी के सिलेक्टेड बच्चे से ज़्यादा नंबर हैं, तो उसे जो सीट मिलेगी वो जनरल कैटेगरी के मिलेगी। और वहीं एस टी एस सी का ओबीसी का जो कोटा है वो ब्लैंक माना जाएगा। जो भी बच्चा एस टी एस सी ओबीसी का जिसे जनरल की सीट मिली है, उसे अपना वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और यदि किसी कारणवश 30% फीमेल हर कैटेगरी में यदि पूर्ण नहीं होती है एस टी एस सी ओबीसी जनरल में, तो ये जो सीट हैं वो मेल को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। अब रूल 10.3 की बात करते हैं। 10.3 ये कहता है कि ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग में जो भी जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। 10.4 ये कहता है कि जो आपका जो शैक्षणिक सत्र है, जो सेशन है, वो सितंबर 2019 से स्टार्ट हो जाएगा और पूरी प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर के बाद से पूर्णतः बंद हो जाएगी। और एट द लास्ट 10 जो रूल है 10.5, उसके अकॉर्डेंस में यदि किन्हीं दो बच्चों के नंबर सेम हैं, तो जिस बच्चे के नंबर जूलॉजी प्लस बॉटनी अर्थात प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में ज़्यादा होंगे, उस बच्चे का सिलेक्शन माना जाएगा। यदि इसके उपरांत भी यदि नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम नंबर देखेंगे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के जो मार्क्स हैं उनको आधार माना जाएगा।